नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल उत्तराखंड केसरी। मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त मैं खारा स्रोत स्थित पीडब्ल्यूडी आवासीय कॉलोनी में हूं, जहां पे एक चोरी का मामला सामने आया है। ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। चोर इतने बेखौफ है, ना तो उनको कानून का डर है और ना ही पुलिस का। यहां से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर थाना मुनि की रहती है, बावजूद इसके चोर एक घर में घुसते हैं जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं गोपाल सिंह रावत जो मैट हैं, और इनके घर पर यहाँ पे कुछ गहने थे वो भी चोर उड़ा ले गए। इसके अलावा कुछ कैश था वो भी चोर यहाँ से चोरी कर ले गए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे और इसके अलावा जो जो यहाँ से चोरी हुआ है, क्या घटनाक्रम था, वो जान लेते हैं गोपाल सिंह रावत से ही। भाई, मेरा नाम गोपाल सिंह रावत और मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में वर्क एजेंट हूँ। और जब 8 तारीख को तो यहाँ पे थे, हमारे यहाँ पे 10 तारीख को हमें फ़ोन किया गया है कि आपके यहाँ घर का ताला टूटा हुआ है और आपके यहाँ चोरी हो चुका है। तब हम लोग सुबह 10 बजे गाँव से यहाँ पे पहुँचे, 8 बजे, 8 या 9 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे। तब हमने देखा तो हमारे सारा सामान चोरी हो चुका है। अच्छा, आप लोग कहाँ गए थे, कैसे पता लगा? ये हम लोग गाँव में भागवत चल रहा था, हम भागवत में जा रहे थे। कब गए थे? ये गए थे, मैं आया था यहाँ पे 8 तारीख को सुबह। 8 तारीख को सुबह नहा धो के मैं 10 बजे के आसपास यहाँ से निकला था गाँव के लिए। तो 10 तारीख सुबह मुझे फोन किया गया यहाँ से कि आपका घर का ताला टूटा हुआ। 10 तारीख को, 10 तारीख को, 8 को आप गए थे और 10 को आपको पता लगता है, कितने बजे लगा? ये सुबह आठ आठ सुबह बजे आठ सुबह बजे आठ का बजे के 8 बजे करीब। को मेरे को फोन किया गया था यहाँ से। तो तब हम वहाँ से निकले, तो हम 9 या 9:30 बजे के पास यहाँ पहुँचे थे। तब हमने अंदर देखा तो सारे सामान खोल के पड़ा हुआ था। क्या क्या चोरी हुआ थोड़ा बताएं। तो इसमें ज्वेलरी थे जो भी था, या सोने या चांदी का जो भी सामान था वो सारे गया हुआ है। कितना थोड़ा कितना लगभग कीमत रही सोने चांदी जो आप बता रहे हो? ये 5-5.5 के आसपास होगा। 5.5 लाख के हाँ, आसपास। जो भी पूरा शादी का जो सामान होता है वो सभी था उसमें, बाकी बच्चों के थे उसमें और सामान भी थे, और थोड़ा कैश था कि 77,000 के आसपास रखे हुए थे। हाँ 77,000 रुपये। जी, उसमें ऐसे ही थे, मैंने कुछ कार्य था घर पे, उसमें कुछ 100 के, 50 के, 20 के ऐसे ही रखे हुए थे, बाकी यही सामान गया हुआ, बाकी कुछ नहीं। दो लॉकर का ताला तोड़ रखा है और एक घर का ताला तोड़, यही सामान। अच्छा, आप जो एक वो बात बता रहे थे कि चोर आभूषण चोर के लेके गए, लेकिन जो उनमें लगे धागे दुगे थे वो वो बाहर फेंके हुए थे किसी पेड़ के नीचे, रास्ता है एक जो जंगलात को जाता है, उसी रास्ते में मिला है हमें। उसमें कुछ पैसे थे, दस पैसे बारह कितने रुपये थे? दस बारह रुपये थे पड़े दस हुए, बारह बाकी रुपए नथ का और जो गले का हार होता है उसका वो था सामान, था धागे वगैरह पड़े हुए थे वहाँ पे, बाकी अच्छा, सब गुल्लुक तोड़ रखे, दो तीन गुल्लुक थे। हाँ, बच्चों के गुल्लक। वो तोड़ के वो भी ले गए। किसी पे ऐसा कोई शक है आपको, अभी तो क्या बोल सकते हैं इसमें, अभी तो कोई यही था। आसपास के रहने वाले हों? आसपास के तो किस पे करें, अभी किसी भी नहीं कर सकते। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी है, कोई इसकी तहरीर तो वगैरह? सूचना दे दी है, 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया गया है। वो यहाँ पे आए, फोटो वोटो खींच के वीडियो वीडियो बना के ले गए हैं, और हम उनके पास गए भी हैं। उन्होंने कहा कि आपको एक दो बता रहे हैं, हमें भी कैमरा वैमरा सारे अपने तो जो चेक करके कि क्या हो सकता है क्या है, अभी कर ही रहे हैं। अच्छा, ये आवासीय कॉलोनी, यहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं है? इस पे नहीं, अगर होता तो कुछ ना कुछ शायद। कुछ तो आ जाता फिर तो वो तब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।